हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मा का किचन टूर कराती हूँ। मम्मा का किचन पूरा मॉड्यूलर है। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। नीचे यहाँ पे किचन काउंटर है, एल शेप में बना हुआ है, वो बर्तन की जाली है। और यहाँ पर ये वार्डरोब वगैरह इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पे प्लेट्स रख सकते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े स्पून्स होते हैं ना, वो रख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर है जैसे होते हैं और भी बर्तन होते हैं ना, कढ़ाई वगैरह, वो रख सकते हैं। यहाँ पर राशन का कंटेनर रख सकते हैं। और ये यहाँ भी राशन का कंटेनर है। ये मेरी मम्मा का किचन है, तो उन्होंने अपने स्तर से रखा हुआ है। और ये पूरा काउंटर है और ये बर्तन की जाली है। तो जो थोड़े मोड़े बर्तन अगर जैसे निकलते हैं कुकिंग करते समय पे, तो वो उसको फटाफट से वॉश करे और यहाँ पर रख दे। और ये पूरा जो किचन है ना, पूरा फुल मॉड्यूलर किचन है। और जो ये है ना, ये जो आप देख रहे हो वार्डरोब, यहाँ पर ये अगर आप इसको हल्का सा भी टच करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाता है। सो ये है। और ये इस तरह से फर्स्ट पार्ट ऊपर है और नीचे सेकंड पार्ट है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा। और जो इसका जो फर्नीचर है वो भी बहुत अच्छा वाला है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा बहुत बड़ा मम्मी का मॉड्यूलर किचन है। तो अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आपको मैं इधर साइड से दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको सामने से भी दिखाऊँगी। यहाँ पर इस तरह से आप ये देख सकते हो। अभी चलिए हम आपको अंदर से सामने से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो ये भी बना हुआ है ना, खाना भी बन रहा था साथ के साथ, तो वो भी यहाँ पर है। ये देखिए कुकर में दाल वगैरह रखी हुई है। तो ये है किचन कुछ इस टाइप से। बाकी थोड़े मोड़े कंटेनर नीचे भी रखे हुए हैं। और जो इसकी जो सनमाइका है ना, ये भी बहुत अच्छी वाली सनमाइका है, वाटरप्रूफ है। अगर इसमें कुछ भी चीज़ें लगती हैं तो इसको आप वॉश कर सकते हो। ये जो मम्मी की सनमाइका है। सो गाइस, ये किचन टूर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक भी छाप देना पसंद आए तो।